जमान मैडम, आप क्यों मेरे पापा का पीछा नहीं छोड़ रही हैं? क्यों मेरे पापा को अपनी जान में फंसा रही हैं? क्योंकि उनके पास पैसे हैं? मैं मुनासिब नहीं समझती कि रहा मेरे स्कूल में रहे। आपके पूरे खानदान का निशाना बहुत अच्छा है। तकरीबन 20 साल पहले तो आपने सीधा मेरे दिल को निशाना बनाया, मेरे और मेरे घर वालों की बेइज्जती की, और इस वक्त आपकी बेटी। मेरी बेटी मुझे ब्लैकमेल करना चाहती है, इसलिए मरियम के पीछे पड़ गई है। चूंकि वो जानती है मेरे दिल में क्या हो रहा है, मेरे दिल में हंगामा है तुम्हें पाने के लिए। मैं इस दिल को निकाल दूंगी। मेरे दिल की ये हिम्मत, तो फिर हमारे इज्जत का क्या होगा? वो काम जो उसने हमारे खानदान के साथ किया, उसे कैसे भूल सकती हूँ? मेरा कहना यह है कि उन बुरे दिनों के बदले अब अच्छे इंसान बन जाओ, मर्द बन जाओ, मुझसे हार जाओ, मेरी बेटी को हार जाओ। अर्दलान, तुमको मरियम को पाने का हक नहीं है। मैं यहां पर ये चीज रहा को देने आया हूं। हिम्मत है तुम मार के दिखाओ। अगर मुझे मारा तो तुम्हें जलील कर दूंगा। अपना हाथ मुझे दो। मुझे राजी करो। मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम्हारे हाथ में ड्रग्स रख दिया कि अपनी बेटी को दे दो और तुम कुछ नहीं कह सके। लेकिन क्यों? चूंकि मुझसे गलती हुई है। तुम्हारे पास अर्दलान के खिलाफ क्या है कि तुम उसके हाथ में ड्रग्स रख रहे हो और वो कुछ नहीं कर सकता? ये लो, अपना सामान संभालो। इस घर के दरवाजे बंद हैं तुम पर। आग किया तुम्हें फरजाद, आग किया मैंने तुम्हें। कुछ सवाल आपके साथी के बारे में आपसे करना चाहता हूँ, जिसका मर्डर हो चुका है, मिस्टर नाइबी के बारे में। तुमने जब ड्रग्स मेरे बाबा के हाथ पर रख दिए तो काफी था। क्या प्लान बनाया तुमने? लेकिन मुझे वो महंगा पड़ा। महंगा? इसलिए रात भर सड़क पर सोए हो क्या? नहीं। तो फिर? मेरी अम्मी ने मुझे आग कर दिया। तुम्हारा इन सब बातों पर अकीदा है क्या? क्यों नहीं होगा। तो फिर क्यों आग करने दिया? सिर्फ तुम्हारी खातिर। मेरी खातिर? तुम मेरी मोहब्बत पर शक कर रही हो ना? तुमने कोई ऐसा काम किया जिसे मैं यकीन करने पर मजबूर हो जाऊँ? एक दिन कहा था ड्रग्स इस्तेमाल करो मेरे साथ, याद है? याद है, क्योंकि उस वक्त मैं खुद इस्तेमाल करती थी। लेकिन अब मैं भी इस्तेमाल करना चाहता हूँ, इसी वक्त यहीं पर। लेकिन अब मैं नहीं चाहती। अब तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना होगा। कैसे? मेरे साथ तुम भी लो, लो। ये लो। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम मुझे चाहो। चाहता हूँ, यकीन करो, मैं तुम्हें चाहता हूँ। मेरे साथ हो ना? हाँ। पहली बार हमेशा ऐसा ही लगता है। मैं भी पहली बार। मेरी भी पहली बार तबीयत खराब होने लगी थी। इसी तरह थी। ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओ। चलो घर चले। नहीं,
अभी घर चलो वरना सन्नाटा हो जाएगा, पार्क में भी सन्नाटा हो जाएगा, इसको बाहर रहे तो सब देखेंगे। हाँ हाँ भूल गई थी, चूंकि तुम्हें तो इस वक्त सबको शराब भी पहुंचानी होती है ना। अभी अब तो नशे ही हो गया हूँ मैं। हाँ फरजाद, अब तक हाथी पर सवार हुए तुम? देखो हाथी पर बैठे हो कभी? हाथी क्या है? हाथी एक बहुत बड़ा जानवर है, उसकी सूंड भी होती है, बहुत अच्छा जानवर है, और मुझे तो हाथी पर बैठने का बहुत शौक था। और ये भी चाहती थी कि हमेशा बर्फ हो। यहाँ फरजाद, तुम भी आकर लेटो, चेहरा बर्फ की तरफ देखो, देखो ये बर्फ कितना खूबसूरत है, आओ देखो कितना अच्छा है। आओ आओ ये बर्फ तो देखो। बर्फ कहाँ है फरजाद? आओ आओ देखो कितनी अच्छी लग रही है ये बर्फ। आओ आओ देखो। रोज ज्यादा ले लिए, बकवास कर रही हो। बकवास कर रही हूँ? तुमको उस वक्त याद है जब पूछते थे कि सारा और गुलबानु कौन है, कौन है मरियम कौन है? मैं कहती थी कि ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, ये सब एक साथ मिले हुए हैं, और तुम कहते थे कि बकवास मत करो। देखा आखिर इन्होंने मुझे मार दिया, तुमने यकीन किया मेरा? क्यों इतने ज़्यादा लिए? बहुत अच्छा किया मैंने, तुमने मुझसे दुगना लिया। अच्छा किया, इतना क्यों ने ले लिया? मेरी मैं तो ये नहीं हुआ था, अब बकवास कर रही हो तुम। मैं ऐसी हूँ। मत हंसो मत, बात कर। हंसूंगी हंसो मत, बुरा लग रहा है। नहीं मत हंसो। मैं चाहती यही बर्फ के नीचे लेटी रहूं, तुमसे क्या मतलब? तुमने ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया है। कौन सी बर्फ? मेरा बैग। बहुत मजा आ रहा है। अच्छा तो तुम लोग भी बर्फ के नीचे चहलकदमी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। चलो मेरा बैग तो दो। अरे बैग तो दो, सब देख रहे हैं। भाई जरा तेज चलाओ। अरे नहीं क्यों तेज, इसी तरह आराम से चलाएंगे तो अच्छे से बर्फ देखने को मिलेगी। मेरी तबीयत खराब हो रही है। फरजाद आओ चलो बर्फ में टहलते हैं। मेरा बकवास बंद करो। कैसी बकवास? तुमको बर्फ में घूमना पसंद नहीं है क्या? रहा मैं पसंद नहीं है। अकेले जाऊं? हाँ चली जाओ। ठीक है मैं खुद ही चली जाती हूँ, बाद में मिलते हैं। क्या हुआ? कोई गाड़ी से बाहर कूद गया। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। रहा रहा मिर्जा साहब हमेशा कहते थे जो हाथ चोरी के लिए उठे वो जहन्नम की आग की लकड़ी बनेगा। लेकिन मैंने उसके कलर नहीं लिए हैं, ये मेरे हैं। वो मुझे परेशान कर रहा था, मैंने भी उसके कलर गायब कर दिए। कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी जान, तुम्हारा दोस्त ना इस बारे में जानता है और नाराजी था। लेकिन वो बदतमीज है, मुझे मारता है। तुम अच्छे बच्चे बनो, वो भी तो तुमसे सीख लेगा। मिर्जा हमेशा कहते थे अदब किससे सीखा? बेअदबों से। अभी जान मिर्जा मरहूम को जब भूख लगती थी तो क्या कहते थे? कहते थे अपने हाथ जानू पर रखो, उठकर किचन में जाओ और खाना निकालो और खाओ। खाने पर नहीं बुलाया कि शायद राहत तब तक पहुंच जाए ताकि साथ में खा सके। अरसलान को खिला दिया, यह आपका खाना लीजिए। खुदा गवाह है, बहादुर की कसम,
अरसलान का बिस्तर आपके पास लगाया ताकि आपके पास आकर सोए, लेकिन सुनता ही नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं कोताही कर रही हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं आपकी माँ जैसी हूँ, नहीं, चूँकि मोहम्मद जवाद आपकी अम्मी की बहुत तारीफ़ करते हैं कि मैं उनके मुकाबले में कुछ नहीं हूँ। आपकी अम्मी उस ज़माने में एक फूल जैसी थी। मैं तो उसका काटा भी नहीं हूँ, लेकिन दो जुमला माँओं की तरह बात करना चाहती हूँ। क्यों? इसलिए कि मैं समझती हूँ आपको किसी बड़े की ज़रूरत है, मोहम्मद जवाद की तरह, जिनके बुज़ुर्ग हाजी सानी हैं। अलबत्ता मैं हाजी सानी के मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन तुमसे काम है। आपकी बुराई ये है कि इत्तेदाल नहीं रखते, या इफ़रात या तफरीत। पहले तो रहा के सर पर हमेशा चिल्लाते रहे, और न इस वक्त जो एक दीवार की तरफ एक तरफ पड़े रहते हैं। ना उस वक्त रहा पर चिल्लाना मुनासिब था, ना इस वक्त चुप रहना। मैं नहीं चाहती कि एक मक्खी की तरह आजकल के हालात पर आपके कान में भिनभिनाऊं। मैं जानती हूँ इस वक्त बहुत परेशानी है, कुछ बातें जानती हूँ और कुछ बातें नहीं जानती। मैं जानती हूँ माल आपका लूटा है, किसने क्यों नहीं जानती। जानती हूँ कि रहा आपके दिल की आग भड़काए हुए है, और ये भी जानती हूँ कि मरियम नाम की कोई लड़की आपके दिल में बसी हुई है और इजहार नहीं करते, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं जानती, जैसे वो रात में कौन साहब थे जो आपसे बात कर रहे थे, या पुलिस आज क्या करने आई थी, या ये नहीं जानती क्यों पुलिस को आने नहीं देते, पुलिस से शिकायत क्यों नहीं करते उस चोर के लिए, क्यों कुछ नहीं करते। अब क्या छुपाना है एक दूसरे से, कुछ है? मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं कि रहा इस वक्त वहीं है जहाँ वो लड़का है। आपकी ज़िंदगी की लगाम अब आपके हाथ में नहीं है। राना जितनी बुरी मिजाज की औरत हो, उस लड़के से ज़्यादा मुनासिब है आपकी बेटी के लिए। या तो उसकी लगाम खुद अपने हाथ में ले लीजिए, या दे दीजिए उसकी अम्मी के हाथ में। इजाज़त मत दीजिए कि रेहा जब घर पर वापस आए तो देखे उसका बाप घर में मौजूद था। ये ज़र्रा बराबर हैसियत भी उसके नज़रों में कायम रखिए। जब रेहा आ जाए तो फ़ोन कर दूंगी, तब आप घर आइए। हेलो गुलबानो। सलाम अलैकुम बहादुर। नहीं आई? नहीं सर, वो लापरवाह नहीं आई। नहीं आई सर, अगर मुनासिब समझें तो उस लड़के के घर चले जाइए, फरजाद के घर, शायद वहीं हो। बेगैरती की टोपी पहनकर उसके घर जाऊं आधी रात को, और
उनसे ये कहूँ कि माफ कीजिएगा जहमत होगी मेरी बेटी को भेज दे। तुम भी समझ गए मैं बेगैरत हूँ। तुम भी समझ गए। अरे सर ये कैसी बात कर रहे हैं, भला ये मेरी हिम्मत? वक्त आ गया है, वक्त आ गया है खुदा, अब वक्त आ गया है कि मैं सजा भुगतूं। वक्त आ गया है कि सजा भुगतूं मरियम की, अपनी अम्मी की, राना के दिल की, हर गुनाह की। वक्त आ गया है मम्मी। कहाँ हैं आप अम्मी? मेरी अम्मी कहाँ है? कहाँ है अम्मी? अम्मी कहाँ है आप? अम्मी कहाँ है आप? मुझे अपने आप से शर्म आती है जाकर दूसरे के घर की बेल बजाकर बोलूं कि मेरी बेटी वहां है। उठो अर्दलन, उठो, ये ज़रा शरबत पी लो, सुकून मिलेगा तुम्हें। उठो, पहले तो तुम्हें घर पहुंचा दूं, बाद में राह को देख लूँगा। उठो ये लो पी लो। अलैकुम अस्सलाम आज़र, देख रही हो ये लड़की कैसे इस बेचारे की जान लेने पर तुली है। अंदर क्यों नहीं बिठाया? निढाल हो गया था, यहीं बैठ गया, मैं भी नहीं ले जा सका। ज़हमत करें ज़रा हाजी साहब को उतार दें। हाँ ठीक है, शुक्रिया। सलाम अलैकुम हाजी साहब। अलैकुम अस्सलाम। हाजी साहब इसकी हालत बहुत ख़राब है, अगर सलाम करे तो जवाब दे दीजिए। हर सलाम का जवाब देना चाहिए। कुर्बान जाऊँ आप पे हाजी साहब। सलामुन अलैकुम हाजी सानी। अलैकुम अस्सलाम। खुदा तुम्हारी अम्मी की मगफिरत फरमाए। बैठो अर्दलन। हाजी साहब अंदर गए हैं ताकि आराम से बैठ सको। बैठ जाओ ना, बैठ जाओ, खड़े रहोगे चक्कर आएगा।
सिर्फ मेरी अम्मी के लिए दुआ की, मेरे लिए दुआ नहीं कीजिएगा खुदा से हाजी साहब? मेरे सलाम का जवाब भी मोहम्मद जवाद के कहने पर आपने दिया है। मरियम से वादा खिलाफी की तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद है, भुगत रहा हूँ, सजा भुगत रहा हूँ हाजी, इस वक्त भी भुगत रहा हूँ। अपनी गलती की सजा है, शिकायत कैसी? गलती की है मैंने, मेरा दिल भारी है हाजी साहब। कोई बात, कोई तस्कीन, खुशी की बात मुझसे नहीं कहिएगा? ऐ नबी, ये तेरी उम्मत है अजीब उसकी हालत, न वकार है न इज्जत, है कदम कदम पे जिल्लत। ऐ नबी, हमें पता है तुझे कौम से गिला है, लो खबर तुम उसकी मौला, करो दूर उसका नाला। नबियों का वास्ता है, बलियों का वास्ता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। माफ़ कीजिएगा, यहाँ एक लड़की को लाया गया है, वो शायद गाड़ी से कूद पड़ी थी। कोई लड़का था ड्राइवर के साथ जिसने ये नंबर दिया है और वो भाग गया है। मैं नहीं जानती इसका नाम क्या है, लेकिन इसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। कह दीजिए खुद ही कूद गई है, मैंने कुछ नहीं किया। जी जी, कोई बात नहीं। हेलो मोहम्मद जवाद साहब, आज तक आपके आंसू नहीं देखे थे। इस वक्त भी नहीं देखा, तुम्हारी तरफ मुंह नहीं किया मैंने। रोना तो नहीं देखा, लेकिन आदतें तो जानती हूं ना। रेहा के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने तक मुस्तहब भी रोजे रखेंगे, है ना? सहरी लाई हूं, पेट भर के खा लिएगा। वो बिल्कुल कोमा में है, उसी लड़के का काम है। सिर्फ लड़के का? और उसकी अम्मी? सिर्फ वो लड़का और राना? अर्दलान भी?
इमरजेंसी वार्ड में, डॉक्टर जलाली इमरजेंसी वार्ड में। मैं और मोहम्मद जवाद एक मुसल्लस तक पहुंचे हैं, वो मुसल्लस के जिसने रेहा को यहां तक पहुंचाया। वो लड़का, आप और राना, आप तीनों ने रेहा को यहां तक पहुंचाया। लेकिन अगर खुदा ने चाहा तो वो जरूर इस बेड से उठेगी और जाएगी। ये दुआ हाजी सानी ने आपके लिए भेजी है। कह रहे थे उसी शेर का अगला हिस्सा है जो आपको सुनाया। आज किसी ने मुझसे पूछा, क्या अभी अर्दलान का कहो अच्छा तकिए कलाम है? मरियम ज़मान, तुम उन लोगों में से हो कि जिससे खड़े होकर बात करनी चाहिए या बैठकर? बाबा जान, चूंकि आपकी बात हमेशा हक होती है इसलिए दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे आपकी मर्जी। कौन कहता था कि इंसान की जिंदगी में खुशी का वक्त जरूर आता है? मुझे याद नहीं है। बस इंसान जब तन्हा है वही वक्त बुरा है। इंसान तन्हाई को बस कुछ हद तक बर्दाश्त कर सकता है, कुछ उम्र तक पहुंचने के बाद। जैसे मैं या तुम्हारी अम्मी हैं, उसके बाद बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। यह बहुत सख्त मरहला होता है। नफरत इंसान की खसलत है। अगर हो तो बुरी खसलत है। क्या तुम अर्दलान की बुराइयों को भूल सकती हो? आप क्या चाहते हैं? क्यों तुम लोग हर चीज मुझ पर डाल देते हो? मेरी चाहत, मेरी ख्वाहिश तुम्हारी तन्हाई दूर कर सकती है? 60-70 साल के वक्त की तन्हाई को दूर कर सकती है? तुम्हारी जवानी की तन्हाई को दूर कर सकती है? हाँ, दूर कर सकती है। आपकी खुशी, आपका सुकून, आप हैं तो मेरे पास कोई कमी नहीं है। आपकी दुआ दूर कर सकती है। बाबा जान, आप क्यों परेशान हैं? आपकी ख्वाहिश मेरी ख्वाहिश है, कहिए। अच्छा, जानती हो मेरी जिंदगी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा है?
वो हिस्सा कि मेरी बेटी अपने बाप के दिल की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान करना चाहती है। उस वक्त के जब छोटे बड़े की कोई इज्जत ना हो, उस वक्त मेरी बेटी अपने बाप की खुशी पर अपनी खुशी कुर्बान करना चाहती हो। मेरे खुदा तेरा शुक्र, खुदा का शुक्र इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि अर्दलान को भूल जाओ, खुदा का शुक्र इसलिए कर रहा हूँ कि तुम्हें अपने बाप की इज्जत की फिक्र है। तो फिर इसी इज्जत और अहमियत को जो तुम्हारे नज़दीक है, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। चाहे हाँ बोलो चाहे ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुदा हाफिज। जल्दी करो, धूप निकल आई है। नहीं मालूम क्यों आज मेरा दिल इतना बेचैन है, बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। हमीद परेशान ना हो। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, क्या हुआ? बर्बाद हो गया मामू, बर्बाद हो गया। रहा की हालत मेरे किए और हालत का नतीजा है। तुम समझते हो कि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो कानून से भी बच जाओगे? मैं सिर्फ अपना हिस्सा लेना चाहता था। अर्दलान तुम्हें देख ले तो उनकी जबान खुल जाएगी। मैं कबूतर का दाना नहीं हूँ कि किसी का मुंह खोल सकूं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है मरियम। मैं अर्दलान के लिए तुम्हारा हाथ मांगना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहता था, खुदा की कसम मैं नहीं चाहता था।